सर, आज की जो प्रेस वार्ता है वो किसको लेकर है, क्या बताएंगे? गुड आफ्टरनून। आज की जो ये प्रेस मीटिंग है, जो ब्रीफिंग है, दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग सम थेफ्ट इंसिडेंट जो सब डिवीजन नौशहरा की जुरिस्डिक्शन में पिछले एक डेढ़ महीने में हुए थे। इसी के आगे चलते हुए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि लास्ट दिसंबर 2021 की रात को 3/8 में मार्केट में एक चोरी का इंसिडेंट हुआ जिसमें 13 दुकानें तोड़ी गई थी। सिंस इट वॉज बड़ा इंसिडेंट था तो कोशिश की हमने उसमें, और पिछले एक डेढ़ महीने की कोशिश, हमारी टीम के अच्छे एफर्ट्स की वजह से ये केस अब क्रैक हो चुका है। इसमें इन्वॉल्व 4 बंदे हैं जिनमें से 3 हमारी कस्टडी में हैं। इन चारों की डिटेल मैं आपको देना चाहूँगा। एक है फयाज अहमद सनफ अब्दुल मोहम्मद सदीक आरओ ग्राट कालाकोट, दूसरे हैं सरफराज अहमद सनफ जमील अहमद, ये भी ग्राट कालाकोट के रहने वाले हैं, तीसरे हैं मोहम्मद सलीम सनफ मोहम्मद यूसुफ आरओ डांगरी तहसील राजौरी के रहने वाले हैं, और चौथा शख्स अफ्तार हुसैन सनफ मोहम्मद इकबाल आरओ द्राट कालाकोट। ये जो चौथा शख्स है ये स्टिल अब्सकॉन्डिंग है, इसको ढूंढने के लिए हमारी टीम्स ऑन जॉब हैं। टेक्निकली भी जो एक्शन कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं ताकि इसको भी अप्रिहेंड कर लिया जाए। इन सब की कस्टडी से फ़िलहाल जो कुछ उन्होंने उस दिन लिया था उनमें से कुछ ये पैसे वाले हार होते हैं, 4 हार मिले हैं, कुछ वॉचेस हैं, रिस्ट वॉचेस जो शॉप से मिली थी, और कुछ मेमोरी कार्ड्स हैं, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत कैश भी इनसे रिकवर हुआ है। इसी में मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, इन चारों एक्यूज में से 3 एक्यूज्ड हमारे एक और चोरी के इंसिडेंट में शामिल थे जिसकी जो कालाकोट की जेडी में हुआ था दिसंबर की शुरुआत में ही, FIR नंबर 4/2022। तो ये दोनों केस सक्सेसफुली सॉल्व हुए हैं। इसमें अलबत्ता एक आदमी अभी स्टिल एट लार्ज है, हमारी पूरी कोशिश है हम जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार करेंगे ताकि जो उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेके कार्रवाई की है उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है दे शुड बी पनिश्ड फॉर दैट। सर, कुल कितनी दुकानें तोड़ी गई थी और कितना जो कैश है और कितना जो मटेरियल है वो गैप था और कितना जो है वो बरामद कर लिया गया? 13 दुकानें तोड़ी गई थी उस दिन। कितना सामान गया था दैट इज स्टिल अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बिकॉज इनसे जो यही हमने लाया है। अलबत्ता कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो फोर्थ एक्यूज्ड के पास होंगी, इट विल टेक सम टाइम, अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, बट सडनली जैसे ही वो चौथा एक्यूज्ड मिल जाएगा उसके बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितना सामान गया था और कितना रिकवर हो पाया। सर, और भी कितनी चोरियां जो है वो हो चुकी हैं और उन पे किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन? मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी इंसिडेंट होते हैं दीज आर बेसिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग, हमारे लिए बड़ी रिजेंटमेंट बनती है क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट होता है, पब्लिक की अपनी मेहनत से हार्ड अर्न मनी होता है, वो कोई उनकी मर्ज़ी के बिना आके चुरा के ले जाए तो उसमें हम समझते हैं हम ज़ाती तौर पर उस पर ज़िम्मेदार हैं, कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इंसिडेंट सॉल्व भी हुए हैं, चाहे वो सुंदरवनी काला बैंक लूटिंग इंसिडेंट हो या पिछले दिनों नौशहरा में एक चोरी हुई थी वो था, कालाकोट वाला था। ये कोशिश JNK पुलिस की, हमारी टीम तो कोशिश कर रही है तो कोशिश से फ़ायदा तो आ ही रहा है। सर, क्या कहेंगे कि ये जो चोर है ये जब चोरी करते क्या वो ड्रग्स लेकर करते हैं, कुछ ऐसा है सुनने में और चाहे कोई दिखा इन्वेस्टिगेशन? ऐसे इंसिडेंट केस स्टडीज़ के तहत तो सुनने में आते हैं, बट यहाँ तक इन 3 चोरों का ताल्लुक है ये सारे पैसों के लिए किया है, कोई ड्रग एंगल इसमें दिखा नहीं है। हमने उस पर काफ़ी वर्क किया है कोई उस तरह का एंगल है इसमें कि नहीं, बट अभी तक उस तरह का कोई एंगल सामने नहीं है। सर, ड्रग्स को लेकर किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है और खासकर नौशहरा पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे आंख और कान बने, ड्रग्स के रिलेटेड कोई भी उस तरह की अगर आपके पास इंफॉर्मेशन या कोई आती है तो प्लीज़ आप पर्सनली भी इंफॉर्म कर सकते हैं हमें। जहाँ तक हमारे एक्शन की बात है तो पिछले 7-8 महीनों में हमने 3 FIR अभी तक दिए हैं, जिसमें तीनों FIR में हमने सब्सटेंशियल अमाउंट में नारकोटिक सब्सटेंस हीरोइन टाइप सब्सटेंस को सीज किया उनसे और उसमें FIR लगी हुई है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताऊंगा वो एक्यूज्ड अभी भी जेल में हैं और उनका चार्जशीट भी हमने कर दिया है।
सर बवाइन स्मगलिंग को लेकर किस तरीके से पुलिस जो है वो हरकत में है? देखिए, बवाइन स्मगलिंग में जो भी कानूनी कार्रवाई है हम करते रहते हैं। आज की डेट में इस ज़्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं बिकॉज रोड बंद हैं बर्फ़ की वजह से। अलबत्ता जो भी इंसिडेंट होता है हमारी जानकारी में आता है, उसमें जो भी कार्रवाई बनती है हम करते रहे हैं और हमारा ग्राफ उसमें बड़ा बेहतर है। सर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस जो है वो अपना काम करती है और कई बार चोरों को पकड़ने जाती है और जनता जो है, कई लोग जो है उन्हीं के वो उनको शटर करते हैं, किस तरीके का जनता को मैसेज देंगे? देखिए, मैं आप सब की माध्यम से ये बताना जरूर चाहूँगा कि किसी की भी चीज़ अगर हार्ड अर्न किसी का कमाई नहीं के वो उनको शटर करते हैं, किस तरीके का जनता को मैसेज देंगे? देखिए, मैं आप सब की माध्यम से ये बताना जरूर चाहूँगा कि किसी की भी चीज़ अगर हार्ड अर्न किसी का कमाई हुई चीज़ को कोई उठा के ले जाएगा, ये बड़ी दुखद बात है। मेरे साथ भी हो सकता है, अगर कोई इस चीज़ में किसी को शेल्टर करेगा कल उनके साथ भी इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। दिस इज़ ए सोशल क्राइम, तो इसमें हमें सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए कि जिसका पैसा है, जिसने कमाया है, उसको वही इस्तेमाल करे, कोई चुरा के ना ले जाए। सर 13 दुकानें जो हैं वो एक ही बार और एक ही रात को लूटी गई हैं, आगे का किस तरीके का पुलिस का रवैया रहेगा इनको लेकर कि इस तरीके की आगे जो परेशानी है वो लोगों को ना आए, इस तरह की दुकानें आगे ना लूटी जाएं, क्या कहेंगे इसको लेकर? इससे तो इसके लिए मैं व्यापार मंडलों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा बहुत अपना इवनिंग वॉचमैन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एरिया में बढ़ती जाती हैं, एरिया रिच होता जाता है, उसी तरह से हमारी भी ज़रूरतें बढ़ जानी चाहिए। सिमिलरली चोरी होने के आसार भी बढ़ जाते हैं, ज़्यादा दुकानें इकट्ठी हैं, तो वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाने चाहिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है, हम अपनी भी गश्त बढ़ाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। 1-1.5 महीने में ही 13 दुकानों के चोर हमने पकड़ लिए हैं, ये चोरी का केस सॉल्व कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे इन अफसरों की, हमारी टीम की, SHO कालाकोट, इन सब के एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हुआ है। उसके लिए हम आप लोगों का और इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।